Hello, my dear students, welcome back to your channel Brilliant Minds by Neeru. So as I have brought a very important news for you, the dates for CUET have been announced. और आपको पूरा शेड्यूल समझना है, so be with me, watch the video. Because इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगी कि कौन सी चीज, कौन से ऐसे काम है जो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए ही हो सकते हैं और जिन्होंने पहले रजिस्टर कर दिया है वो ये काम नहीं कर सकते हैं. और डेट्स जुलाई अगस्त के दो स्लॉट्स के अंदर हैं डेट्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो स्टूडेंट्स एंड वॉच इट कंप्लीटली. As of now, 9,50,804 candidates have registered for admission into 86 universities, out of which there are 43 central universities, 13 state universities, 12 deemed universities and 18 private universities. Candidates can take the test in any one of the 13 mediums being offered. आपको मालूम है 13 languages आपको offer की गई थी और आपके सामने universities की list है पूरी. आपके number of universities हैं, कितनी central, कितनी state और deemed या private universities कितनी हैं. Select any combination out of 33 languages and 27 unique subjects. आपके सामने 27 सब्जेक्ट्स है जिसमें से आपने अपने जरूर आपने सिलेक्ट किए होंगे, अप्लाई किया होगा और अभी चेंजेस भी आपको अलाउड हैं. उसके लिए फिर से लाइन ओपन कर दी गई है. ऑनलाइन मोड में आप फिर से चेंजेस कर सकते हैं. अभी आपको मैं सब क्लियर करूंगी. वन कैंडिडेट हैज अप्लाइड इन मोर देन 5 यूनिवर्सिटीज ऑन एन एवरेज. ज्यादातर बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं सीयूईटी में अपियर होने वाले हैं, उन्होंने पांच, करीब एवरेज 5 यूनिवर्सिटीज में सबने अप्लाई किया है. एंड देर आर मोर देन 54,000 यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स चूजन बाय वेरियस कैंडिडेट्स. अकॉर्डिंग टू सीयूईटी इट विल बी कंडक्टेड ऑन जुलाई 15, 16, 19 एंड 20th. चार डेट्स आपके पास जुलाई की और अगस्त में है आपके सामने 6 डेट्स. 4 अगस्त, 5th अगस्त, 6, 7, 8 एंड 10th ऑफ अगस्त. और ये आपको मालूम है क्लियरली कि आपका सीयूईटी जो आपका होने वाला है ये सीबीटी मोड में होने वाला है. और अगर स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी वीडियो वॉच नहीं की है कि व्हाट इज सीबीटी मोड या उसमें किस तरह से आपको अपियर होना है, कैसे एग्जाम देना है, डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. सिंस इट इज द ओनली एग्जाम फॉर एंट्री इन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिस्टम, द रजिस्ट्रेशन इज वंस अगेन बींग ओपन फॉर दोज वन लास्ट टाइम ऑन द डिमांड ऑफ द कैंडिडेट्स. आपके सामने फिर से आपके शेड्यूल बता रही हूं आपको. आप दोबारा से, जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं कराया, दोबारा से आपको एक चांस मिल रहा है कि आप रजिस्टर दोबारा से करा सकते हैं. या जिन्होंने पहले रजिस्टर कर लिया है दे कैन मेक द करेक्शंस. लेकिन अभी आपको डिटेल बताऊंगी किस चीज में आप करेक्शंस करने के लिए अलाउड हैं और किस में नहीं है. सो द शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शंस इज एज फॉलोज. स्टार्ट डेट रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन 23rd ऑफ जून, ओके, और 9 PM ऑनवर्ड्स. 9 बजे के बाद से आपके 23 तारीख को लाइन आपकी ओपन हो रही है, दोबारा से आप रजिस्टर कर सकते हैं और करेक्शन भी आप कर सकते हैं. एंड डेट रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन इज 24th ऑफ जून, ओके. कहां, कब तक है आपके, रात के 12 बजने में 10 मिनट तक आप ये काम कर सकते हैं, 24th तक. करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज पर एनेक्स्टर. अभी आपको बताती हूं कि आप कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज. क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने पहले ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो आप ये काम नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस. ये तीन चीजें स्टूडेंट्स आप चेंज नहीं कर सकते हैं. ये मत सोचिए आपने रजिस्टर किया है, आपको अलाउ कर दिया गया है कि आप चेंजेस करिए, तो मोबाइल नंबर, मेल आईडी या एड्रेस के अंदर चेंज कर रहे हैं, नो वे. सेकेंड, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड्स. आप किस चीज में चेंज कर सकते हैं, योर नेम, कैंडिडेट नेम और फादर नेम और मदर नेम और फोटोग्राफ, इमेज अपलोड और सिग्नेचर इमेज अपलोड. आपने इमेजेस अपलोड की होगी, सिग्नेचर या फोटोग्राफ की, या इन तीनों नाम में से आपका कहीं कुछ चेंज है, स्पेलिंग गलत है, कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू. थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स. ये फील्ड जो है ये सभी स्टूडेंट्स चेंज कर सकते हैं. क्लास 10th या इक्विवेलेंट डिटेल्स, आपने उसके बारे में जो भी डिटेल डाली हुई क्लास 10th की या क्लास 12th की, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं सारे फील्ड्स के अंदर. नंबर 4, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द प्रेफरेंसेस एंड मीडियम. आप किसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, आपके जो प्रेफरेंस थे, एग्जाम सेंटर, सिटी सिलेक्शन, सेकेंड उसका मीडियम, ओके, कौन से मीडियम आप एग्जाम देना चाह रहे हैं. लास्ट 5th पॉइंट,
candidate shall be allowed to change all the fields, date of birth, gender, category, PWBT. Now, important points, if there is any impact on fee, then additional fee will be charged as applicable. वो कह रहे हैं अगर आपने जो चेंजेस किए अगर ये अभी उन्होंने क्लियर नहीं करा है लेकिन आप इस पर इम्पैक्ट कुछ पड़ता है फी के ऊपर तो आपको एडिशनल फी आपको पे करनी होगी. नेक्स्ट करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी एंड एडिशनल फी इफ एनी. वो कह रहे हैं अगर आपको एडिशनल फी पे करना आपको बनता है यू हैव टू पे एडिशनल फी एक्स्ट्रा फी आपको पे करनी है तो आपकी करेक्शन तभी एप्लीकेबल होंगी जब आप फी पे करेंगे. अदरवाइज आप सोचें कि आप चाहते हैं कि आपके ये सब चेंजेस हो जाएं बिना फी पे किए आपके वो नहीं होंगे. द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलॉट टू द कैंडिडेट दैट इज वंस द करेक्शंस आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन. स्टूडेंट्स दिस इज द लास्ट एंड लास्ट चांस टू मेक द करेक्शंस. या अभी भी आपको लगता है कि आपने कम यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया है तीन में किया है दो में और करना है एक में और करना है तो लास्ट चांस है स्टूडेंट्स गोल्डन चांस डू नॉट मिस इट. लेकिन केयरफुली इस बार काम करेगा इसके बाद ये फ्रोजन हो जाएगा ठीक है. और ये जितनी भी आपके सामने कंडीशन सब आपको मैंने बताई हैं अब आप डज नॉट अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन. जो फ्रेश करें तो ऑफ कोर्स वो तो अपने अकॉर्डिंगली न्यू सब कुछ ध्यान से फिल कर लेंगे. ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम. कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोज एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट डू सब्सक्राइब इट स्टूडेंट्स.